इस वीडियो में हम इडियम्स और फ्रेजेज के कुछ शब्द लाए हैं जो कंपटीशन में अब तक जो पूछे गए हैं उसी का लिस्ट बना करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसका पार्ट टू बता रहे हैं। पहला है ए वाइल्ड गूज चेज, मतलब निष्फल प्रयास, ए यूजलेस एफर्ट, मतलब निष्फल प्रयास, बेकार प्रयास, अराउंड द क्लॉक, मतलब दिन रात बिना रुके हुए, दिन रात बिना रुके हुए। तो ऑल डे एंड ऑल नाइट विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। एंड अबाउट टर्न, मतलब पलटी मारना, रंग बदलना, जो वादा किया उसे पलट गया, तो पलटी मारना या रंग बदलना में कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, अपना राय बिल्कुल बदल दिया। ओपिनियन मीन्स राय। एक क्लोज सेव मतलब बाल बाल बचना, किसी खतरे से बाल बाल बचना। ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज फिस्टेड मुट्ठी बंद किए हुए, मतलब कंजूस है, क्लोज फिस्टेड। माइजर स्टिंजी निगार्डली, कोई भी पूछ सकता है, कोई भी आ सकता है इसमें। ए फिश आउट ऑफ वाटर, ऐसे सोचिए कि कोई मछली अगर पानी से बाहर है तो कष्ट में है, क्योंकि वह पानी में ही उसका जीवन जो है सुरक्षित है। कष्टप्रद है या बेचैन है, मतलब अनकंफर्टेबल। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, द कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। एकिल्स हील, मतलब कमजोर, वल्नरेबल या वीक पॉइंट, वल्नरेबल मतलब वीक ही होता है, कमजोर। ए मैन ऑफ ए स्ट्रॉ, तुच्छ व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं हो। ए मैन ऑफ नो सबस्टांस, ए मैन ऑफ नो सबस्टांस मतलब तुच्छ व्यक्ति है, कोई उसकी उपयोगिता है ही नहीं, महत्वहीन है। ए शॉट इन द डार्क, ए शॉट इन द डार्क मतलब अंधेरे में तीर चलाना। एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, अटेम्प्ट का मतलब है, आप याद रखिएगा कि वैसा प्रयास जिसमें सफलता नहीं मिलती हो, असफल प्रयास को ही अटेम्प्ट कहा जाता है। एट द 11th आवर मतलब अंतिम क्षण में, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ए स्मॉल फ्राई, तुच्छ या महत्वहीन लोग को कहा जाता है, अनइम्पॉर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट पर्सन। ए हरकुलियन टास्क, अत्यंत कठिन कार्य। ए टास्क विच रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट, जिसमें पूरा प्रयास खोजता है, क्योंकि कार्य कैसा है, कठिन है, तो ए टास्क विच रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट। एन ओपन बुक, एन ओपन बुक किसी व्यक्ति को कहा जाता है, इसका मतलब कि जिसका कार्य और व्यवहार बिल्कुल स्पष्ट हो, खुली किताब की तरह बिल्कुल स्पष्ट हो, उस पर कोई तरह का संदेह या संशय नहीं किया जा सकता है। द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब स्पष्ट होता है, एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स उसका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक होता है। एट वंस बेक एंड कॉल, जी हुजूरी चापलूसी। टू बी डोमिनेटेड बाई समवन, किसी के द्वारा जो है सो डोमिनेट होता है, कोई कार्य करेगा तो किसी के द्वारा, मतलब जी हुजूरी ही करेगा, तो टू बी डोमिनेटेड बाई समवन।
ए रेड लेटर डे, ये भी ये तो सिंपल है और ये पूछा भी गया है इसीलिए इसको हम लिखे. एन इम्पॉर्टेंट एंड जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, मतलब ऐतिहासिक या महत्वपूर्ण दिवस या अवसर, दिवस या अवसर. या इसको कह सकते हैं एन ऑस्पिशियस डे या ए हिस्टोरिकल डे, कोई आपको ऑप्शन में दे सकता है इसमें से. ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित मतलब जिसके होने की उम्मीद नहीं किए थे, अप्रत्याशित, किसी की अप्रत्याशित हार हो गई, किसी की अप्रत्याशित जीत हो गई, तो अनएक्सपेक्टेड. ए बोन ऑफ कंटेंशन, मतभेद, झगड़े की जड़. ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट. ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब किसी व्यक्ति में धीरे धीरे मित्रवत सोच आना. पहले वह समाज से अलग थलग था तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हमको समाज के साथ जुड़ना चाहिए, तो एक मित्रवत भाव आता है, उसी को कहा जाता है ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, फ्रेंडली फीलिंग. ए डैम्प स्क्वीब मतलब हतोत्साहित करने वाला परिणाम, निराशाजनक परिणाम आया, तो उसको कहा जाता है ए डैम्प. डैम्प मतलब भींगना होता है, उसको भींगा दिया मतलब हतोत्साहित कर दिया. ए डैम्प स्क्वीब, निराशाजनक परिणाम. ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, डिसअपॉइंटिंग मीन्स निराशाजनक. तो आपको इस वीडियो में मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट टू को बताया, जिसमें मैंने कुल 20 शब्द लाए. तो मैं, मेरा प्रयास है कि आपको जो भी मटेरियल है आपको उपलब्ध कराऊं. यदि आप कोचिंग में नहीं जा रहे हो तो आपको इसकी कमी महसूस नहीं हो. मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, ऐसे मैंने 12 का जो है सो कोर्स पूरा ख़त्म कर दिया है, अब मैं कंपटीशन में लगा हुआ हूँ, और मेरा यही उद्देश्य है कि वह अपने घर पर रह करके तैयारी कर सके, उसको कोई तरह का जो है सो समस्या खड़ा न हो, और घर पर ही उसके पास इतना पर्याप्त मटेरियल देंगे कि उसमें वह जो है सो अपने कार्य में जो है सो पूरा इन्वॉल्व रहेगा, अपना तैयारी वह कर सकता है. जो भी कंपटीशन की सारे मटेरियल्स हैं मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और जितनी मुझ में क्षमता है, जितना मुझे अनुभव है, जितना गुरु का आशीर्वाद है, मैं अपना सारा चीज जो मैंने अब तक गेन किया है, प्राप्त किया है, हम आपको देने के लिए पूरे जोश के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूं. धन्यवाद.